पहले हम फ्रूट भी खा लेते थे, दूध भी अपने बच्चों को अच्छा पिला देते थे, एक एक गिलास, तीन बच्चे हैं हमारे, एक एक गिलास दूध भी पिलाते, अब हमारे बच्चे काली चाय पी रहे हैं इस समय। टू कंसेक्यूटिव लॉकडाउन्स एंड शूटिंग प्राइसेस ऑफ एडिबल आइटम्स हैव मेड द कंट्रीज वर्किंग सेक्शन वल्नरेबल टू द एक्सटेंट दैट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज टू स्क्वायर मील्स अ डे। 90% of the working population of the country works in the unorganized sector. The one area that high inflation has hit the most is food consumption. Yashoda, a domestic worker from Gumbad Basti, Delhi, tells us about the difficulties that she and her family have been facing for the last 2 years. पहले हम 8,000 का काम करते थे, अब हम 2,000 का काम कर रहे हैं। तो 2,000 में हमारा नहीं हो पा रहा गुजारा, और गए मतलब हमारे पति का भी कहीं काम नहीं चला है अभी तक। तो किसी दिन दिहाड़ी लगती है तो कर लेते, किसी दिन नहीं लगती है तो नहीं करते हैं। खाने का तो बहुत फर्क पड़ा है, दूध नसीब नहीं हो रहा हमारे बच्चे को, और सब्जी रहती थी, हरी सब्जी बनाती थी, और अब तो कहीं आलू मिल गया वही बना लिया, कहीं दाल मिल गई वही बना लिया। महंगाई की वजह से क्या करें, किसी न किसी तरह तो चला ही रहे हैं। पहले हम 3 टाइम अपने बच्चे को खाना खिला देते थे, हम खा लेते थे, अब 2 ही टाइम मिल रहा है। एज पर वन इंडिया स्पेंस रिपोर्ट, 60% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स वर नॉट पेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अमृता जौहरी, हु इज एसोसिएटेड विद दिल्लीज रोजी रोटी अभियान, स्पोक विद अस। एज पर अमृता, द पैटर्न ऑफ डिक्रीज्ड फूड कंजम्पशन ऑफ वल्नरेबल फैमिलीज हैज अफेक्टेड विमेन एंड यंग गर्ल्स द मोस्ट। इसको अगर हम देखें तो 3 चीजें हमें सामने नजर आती हैं खाने के इंटेक को लेके। पहला तो है, परिवार बताते हैं कि जो वो पहले 3 बार दिन में खाना खाते थे, आज की डेट में केवल 2 बार खाना खा पा रहे, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है कि वो हर एक चीज को अफोर्ड कर पाए। और इसमें सबसे जो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो महिलाओं पे और बच्चियों पे पड़ा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो जहाँ पे की महिलाओं ने बताया कि हम केवल दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं, जिससे कि कम से कम बच्चों को कुछ खिला पाए। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा है कि सबकी अपनी कोई डाइटरी प्रेफरेंस होती है। जो परिवारों में नॉनवेज खाते हैं लोग, जहाँ पे बच्चों को भी आदत है नॉनवेज की, उन्होंने बताया कि करीबन 1-1.5 साल से एक भी बार नॉनवेज खाना नहीं खा पाए हैं। तो यानी कि इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, जहाँ पे बच्चों को आदत होती है एक टाइप का पैलेट की, एक टाइप की डाइट खाने की, उसके ऊपर जब ये इस टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है तो बच्चों को भी खाना खिलाना, ये इंश्योर करना कि उनका न्यूट्रिशन जो है वो मीट हो रहा है, ये एक सेकेंड इम्पैक्ट है कि आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर अब आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तीसरी चीज जो एक बार बार सामने आई है कि ये महंगाई को पूरा देखते हुए आज की डेट में दाल, सब्जियां और दूध, ये तीनों चीज भी बहुत कम मात्रा में कंज्यूम की जा रही है। पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर नोन एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। डेली वेज लेबरर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, हॉकर्स आर द पीपल हु फेस्ड द ब्रंट ऑफ द COVID-19 एंड स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट डेली वर्क। यहाँ तो सुबह से है, लेकिन सुबह से अभी तक कोई काम नहीं मिला जी। 10-11 भी बन जाता है, कोई काम नहीं मिलता। हफ्ते में 2-3 दिन काम मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ नहीं बन रहा, बताइए कहाँ 500 कमा रहे थे, इस समय 300-400 की स्थिति पर आ गया है। मतलब इसमें कुछ नहीं बच रहा है। पहले जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था, हफ्ते में हम लोग को पूरा काम मिल रहा था। अभी हफ्ते में 2-3 दिन काम कर पा रहा हूँ, उससे अलावा काम नहीं मिल रहा है। अब घर के आदमी तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा महीना लग गया, उसको पैसा भेजो, यहाँ पे काम नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा करेंगे। अब गाँव जाता हूँ, गाँव में भी काम नहीं मिल रहा है। एसएन कुशवाहा, ट्रेजरर ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन बैक्ड रेहरी पटरी हॉकर्स यूनियन इन दिल्ली, टेल्स अस द इनएफिशिएंसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटी टू द हॉकर्स एंड देयर लाइवलीहुड। केजरीवाल जी जब रामलीला मैदान में पहली दफे शपथ लिया था, उस समय उन्होंने 2 बातें कही थी मजदूरों के बारे में। एक बात तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स खत्म कर दूंगा, सब रेगुलर होंगे, और दूसरा कहा था कि रेहड़ी पटरी वालों का कुछ भी नुकसान नहीं दूंगा, जो जहां है वहां धंधा करेगा। लेकिन हुआ क्या, ठीक उसका उल्टा हुआ। आज तक दिल्ली की सरकार आज तक कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उसका सर्वे नहीं करा सकी, नंबर नहीं जुटा सकी। क्या करेंगे जब पता ही नहीं होगा कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, तो जॉब कहां से देंगे।
Amid the lockdown, the Modi-led central government launched a scheme for street vendors that claims to provide them rupees 10,000 as a loan amount. As per the latest India Spends report, only 11% of vulnerable street vendors benefited from that credit scheme. मतलब एक गरीब आदमी जिसके पास खाना नहीं है उसकी मदद क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं उसको, और धंधा बंद कर रखे हैं, धंधा ही नहीं चलेगा तो वो वापस कहाँ से करेगा। इसीलिए हमने कहा था कि 7,500 रुपये जितने ऐसे मजदूर हैं, चाहे वो फैक्ट्री का हो या रेड़ी पटरी का हो या भवन निर्माण का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, चाहे डेली वेजेज हो, जिसको काम नहीं है उसको 7,500 रुपये महीने का गुजारा भत्ता दिया जाए, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। The high price rise of edible oils, LPG cylinders and vegetables is keeping consumers away from these utilities. However, that's an issue for Malti, a street vegetable seller who tells us the change in consumers' behavior. ग्राहक रेट सुनकर चला जाता है क्योंकि महंगाई इतना हो गया और बहुत दिक्कत होती है। दुकानदार तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वही है ना, रोज घर पे वही इस बात की लड़ाई होती है, भैया दुकानदारी नहीं है, अब कैसे पालेंगे बच्चों को, दो टाइम खाना बनाते थे, एक टाइम बनाते खाना, बहुत दिक्कत होती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।